देखिए एक बार, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कोसेट ऑफ ग्रुप या कोसेट ऑफ सब ग्रुप। इफ एच कॉमा जीरो और सिंपली एच, जीरो का मतलब बाइनरी ऑपरेशन, एच एंड बाइनरी ऑपरेशन, या एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ ग्रुप एंड बाइनरी ऑपरेशन, मतलब एच कॉमा जीरो या एच सब ग्रुप है जी कॉमा जीरो का और सिंपली जी का, या सिंपल कह सकते हो एच, मतलब ये इसका सब ग्रुप है या एच जी का सब ग्रुप है। देन एच इज ए बोथ ए लेफ्ट कोसेट, ठीक है, एंड ए राइट कोसेट। तो एच जो है लेफ्ट में कोसेट हो सकता है या राइट में कोसेट हो सकता है, लेफ्ट कोसेट हो सकता है या राइट कोसेट हो सकता है। इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, जो एच है सब ग्रुप है जी का, देन ए एच बराबर एच, तो ए एच बराबर किसके, एच के बराबर, ए बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग करेगा एच को। इफ ए बी आपके दो ले लिए, ठीक है, उसके कंपोनेंट, ए बी बिलोंग कर रहा है एच को और ए बी के बराबर नहीं है, तो ए का एच के साथ, बी का एच के साथ, ठीक है, मगर आपके दोनों का राइट को सेट है, ठीक है, तो ए एच बराबर बी एच ये हो सकता है, ठीक है, मतलब ए बी किसका, क्या कह रहे हो, थर्ड वाल, एक मिनट, मतलब ए बी अगर एच को बिलोंग कर रहा है तो जी को तो करेगा ना, एक मिनट एक मिनट, थर्ड पॉइंट, ए बी बिलोंग अगर जी को कर रहा है तो ए बी बिलोंग जी को तो करेगा ही, वो तो सब ग्रुप है ना, मतलब ए बी आपका जी को बिलोंग कर रहा है तो ए बी बिलोंग एच को तो करेगा ही, एच तो उसका सब ग्रुप है, तो ए बी बराबर नहीं है, पर ए का एच के साथ ऑपरेशन, बी का एच के साथ प्रोडक्ट भी बराबर हो सकता है। ए इनवर्स बी क्या करेगा, बिलोंग करेगा एच को, वी आर एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब ए इनवर्स बी क्या करेगा, फिर बिलोंग करेगा एच को, तो वो सब ग्रुप है। द टू लेफ्ट कोसेट ए एच एंड बी एच, लेफ्ट साइड के कोसेट ए एच एंड बी एच ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ एच, ये सब ग्रुप है एच के, ऑफ ए ग्रुप ऑफ जी आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। इफ एच बी ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी, ये जो आपका एच है वो सब ग्रुप है ऑफ द ग्रुप जी, जो आपका एच है सब ग्रुप है जी का, तो ए बिलोंग्स टू जी बट ए डज नॉट बिलोंग टू जी एच, मतलब ए जी को बिलोंग तो करता है पर एच को नहीं। देन दे आर एग्जिस्ट वन टू वन मैपिंग ऑफ एच ऑन टू ए एच, मतलब वन टू वन मैपिंग जो आप करेंगे वो ए एच की मैपिंग पर ही आएगी। अब देखिए, द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, वो डिवाइजर होती है, डिवाइजर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वहीं से होता है, ठीक है, किसके, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब ये लास्ट टॉपिक है ग्रुप थ्योरी का, आपके सिलेबस में जो ग्रुप थ्योरी है उसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इफ जी कॉमा जीरो एंड जी डैश कॉमा जीरो आर टू ग्रुप, मतलब दो ग्रुप हैं, एक जी है और एक जी डैश, लिखा जाता है बाइनरी ऑपरेशन के साथ, तो जी और जी डैश दो ग्रुप हैं। देन ए मैपिंग
मैपिंग जी बिलोंग्स टू जी डैश, जी बिलोंग्स टू डी जेड, विच रिटेन्स द स्ट्रक्चर विच रिटेन्स द स्ट्रक्चर एंड इज मैनी एंड वन इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म, ऑफ द ग्रुप जी with the group G dash such that F A O, a binary operation of B, तो F A O dash binary operation of B, A B belongs to G. AB belongs to G. AB belongs to G. बात ना करो भाई, टिपिकल चीजें हैं, लास्ट टॉपिक है. मैथ में पढ़ी है पहले ग्रुप थ्योरी? हाँ, तो तुम लोग और अपना बेसिक देख लेना. हमने तो ग्रुप, हम तो सिलेबस के अकॉर्डिंग देख देख के करा दिए, पर ऑब्जेक्टिव में कोई सिलेबस का वो नहीं होता, थोड़ा बहुत इधर उधर आ सकता है. तो अपना बीएससी वाली ग्रुप थ्योरी पूरी पढ़ लेना जरूर, नोट्स रखा हो तो. क्यों, तुम्हारे पास? अजय मैथ थी नहीं, बीएससी मैथ थी नहीं? ये तो गलत काम किया तुमने. वी समटाइम्स तो तुम जितना जो हम लिखा रहे हैं वही याद करो. यूज़ टू से दैट जी इज होमोमॉर्फिज्म टू जी डैश and denoted it by
जी ए बी बिलोंग्स टू जी, इफ जी कॉमा जीरो एंड जी डैश बाइनरी ऑपरेशन ओ डैश आर टू ग्रुप्स, देन ए मैपिंग एफ जी टू जी डैश विच रिटेन्स द स्ट्रक्चर एंड इज मैनी वन is called homomorphism of the group G with the group G dash such that F A binary operation of B, so F A binary operation of F B, so A B belongs to G. We sometimes used to say that G is homomorphic to G dash and denoted it by G लगभग G dash के बराबर. If there exist mapping F G to G dash, G ही overlap करेगी G dash या G dash overlap करेगा G को, मतलब एक ही structure में, such that F A binary operation of B, तो एफ ए बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एफ बी, ए बी बिलोंग कर रहे हैं किसको, जी को. अब आइए इनसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी. पहला, द ग्रुप जी डैश ओ डैश इज ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द ग्रुप जी डैश बाइनरी ऑपरेशन ओ डैश इज ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द ग्रुप. ठीक है, द रिलेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म is not symmetric जी तो जी डैश के बराबर है पर जी डैश मतलब जी पर जी डैश आएगा पर जी डैश पर जी नहीं, ये इसका
सिमेट्रिक नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द आइडेंटिटी of the identity of the group G and binary operation is the identity of the group G dash O dash. That is, if E dash are the identities in a G dash respectively, identities G and G dash respectively. तो आपको बता दें, then F is equal to E dash, ये आएगा ऑब्जेक्ट। F is equal to E dash. The homomorphic image of the inverse of any element A G comma 0 is the inverse of the image of A. Image of A that is F A inverse that is A belongs to A belong कर रहा है G को। ये चार प्रॉपर्टीज F A इनवर्स पूरे का हो जाएगा F A इनवर्स।
ये मेन है। अब आइए आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। If G comma 0 are two groups, and there exist a one-to-one mapping onto mapping F G belongs to G dash G belongs to G dash अब देखिए such that इसमें ये बनेगा A binary operation of B A dash binary operation of B dash. A dash binary operation of B dash. Where A dash A B belongs to A dash B dash then mapping then mapping हाँ ये दे दे ठीक है then mapping F is called as isomorphism तो मैपिंग को हम क्या कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म
एंड वी से दैट सी से दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी and write g dash के बराबर g dash के बराबर पंद्रह को है अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म पहली प्रॉपर्टी है द ऑर्डर ऑफ जी डैश बराबर जी बराबर है ऑर्डर ऑफ जी डैश बराबर है दूसरी प्रॉपर्टी फॉर आइसोमॉर्फिक ग्रुप g,0 एंड g,0 द आइडेंटिटी e-dash of g-dash इज द इमेज ऑफ आइडेंटिटी इज द इमेज ऑफ आइडेंटिटी is the image of identity is the image of E of G that is it is तीसरी प्रॉपर्टी देखिए फॉर आइसोमॉर्फिक ग्रुप g,0 एंड g,0 The image of inverse of any element
एलिमेंट ए ऑफ जी इज द इनवर्स ऑफ द इमेज ऑफ ए दैट इज एफ ए इनवर्स का पूरा इनवर्स तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी देखिए फॉर आइसोमॉर्फिक ग्रुप पंखे बहुत आवाज़ कर रहे, तुम लोग तेज कर दिए क्या? एक पॉइंट धीमे कर देते बस, क्या हवा उतनी लगेगी। फॉर आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स जी कॉमा जीरो, रिकॉर्डिंग में आवाज आएगी ना, जी डैश कॉमा, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इज द सेम एज as the order of its image e dash belongs to g dash। फिफ्थ है If F is isomorphic mapping, isomorphic mapping of G tends to G dash. Then F inverse is also isomorphic. ये आपकी ग्रुप थ्योरी हो गई। अब आइए इस पर है, सिलेबस उठाना जरा, प्रवाद दिखाओ जरा, लिखवा बता दें। ये ग्रुप थ्योरी
ये बताया ग्रुप सब ग्रुप को सेट, ठीक है, और होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिक, ठीक है, अभी ये सब बताने पड़ेंगे। अब इसकी चीज़ें अब हम कल तुमको अगले टर्न पे कॉन्टीन्यूअस ग्रुप, अभी तो हमने फिर इसमें ये जो बीच बीच में टॉपिक मिल गए हैं वही, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का है, फाइनाइट डिफरेंसेस विथ इक्वल अनइक्वल इंटरवल्स, इंटरपोलेशन फार्मूला, एरर एक्यूरेसी टेस्ट इन न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये आज बताने जा रहे हैं, थोड़ा इस पर भी बता दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर फार्मूले फार्मूले। देखिए देखिए लेसन सेकंड है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। देखिए फाइनाइट डिफरेंसेस, फाइनाइट डिफरेंसेस, तो देखिए फाइनाइट डिफरेंसेस में देखिए डेल्टा एफ एक्स का मतलब है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच माइनस एच, वेयर एच इज ए फिक्स्ड कॉन्स्टेंट, फिक्स्ड डेल्टा स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये कहलाता है फर्स्ट, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, तो इसका मतलब है डेल्टा ऑफ डेल्टा एफ एक्स, डेल्टा ऑफ डेल्टा एफ एक्स, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, डेल्टा एफ बाई ये आएगा डेल्टा एफ एक्स प्लस एच, डेल्टा क्यूब का देख लो, तीसरा तीसरा देखिए डेल्टा क्यूब एफ एक्स, डेल्टा ऑफ डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, इसी तरह चलोगे nth डिफरेंस के लिए, इन जनरल
द nth डिफरेंस। एन की वैल्यू वन, अब देखिए अरे अभी तो शुरू किया ये वाला, कहाँ जाना है तुम्हें भी जाना है क्या? कहाँ? अच्छा अभी छोड़ रहे हैं, ये तो कर लें दो। अब देखिए यहाँ पर एक ऑपरेशन है, ठीक है, ई ऑपरेशन ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स प्लस एच, ई ऑपरेशन ऑफ एफ एक्स, एक्स प्लस एच। अब अगले टर्न जल्दी पढ़ाएंगे, ठीक है, तुम लोग 10 बजे कोचिंग है, ठीक है, अगले टर्न 8:15 तक शुरू कर देंगे, लेट हो गया, भले बाद में ना आए। ई एन एफ एक्स, एफ एक्स प्लस एन एच, ध्यान आया, आपने पढ़ा है, ठीक है, ये सब पढ़ा हुआ है, फार्मूले बस मुझे बताने हैं, रिलीज, हाँ, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड ई, तो ई बराबर डेल्टा प्लस वन, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ द ऑपरेटर डेल्टा एंड ई, प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा एंड ई, डेल्टा और ई की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी इफ ए क्या है, कांस्टेंट, तो डेल्टा ऑफ ए जीरो एंड ई ए बराबर ए, ई ए बराबर ए, दूसरी प्रॉपर्टी डेल्टा ऑफ ए एफ एक्स तो ए ऑफ डेल्टा एफ एक्स, इसी तरीके से ई ऑफ ए एफ एक्स ए डेल्टा आर डेल्टा एस, इसी तरह देखो
एफ एक्स क्या बनता है, डेल्टा आर प्लस एस एफ एक्स ई आर ई एस एफ एक्स ई आर प्लस एफ ये आप तीन प्रॉपर्टी और याद कर लेना। अब आइए पॉलीनोमियल इंटरपोलेशन। पॉलीनोमियल इंटरपोलेशन पॉलीनोमियल इंटरपोलेशन जाओ, ये वो कोचिंग ज्वाइन करें ना, जाओ जाओ। द प्रोसेस ऑफ एस्टीमेटिंग द वैल्यूज of the function for any intermediate value of the variable. The variable with the help of certain given values of the function corresponding of the function corresponding to a number variable values is called interpolation. The process of estimating, वो process जिससे estimate करोगे, the process of estimating the values of function for any immediate value of variables with the help of certain values of the function corresponding to the number of variable values is called interpolation. उससे हम क्या कहते हैं, इंटरपोलेशन। देखिए इसे दूसरे तरीके से कहें
ये थ्योरिकल हो गया। एक फंक्शन है वाई, किसका है, एक्स का, इज नोन फॉर वैल्यूज, फॉर वैल्यूज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन एक्स एज एज एफ एक्स वन एफ एक्स टू एंड सो ऑन डेट डेज डेज एफ एक्स द प्रोस देन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स values of fx for some other values of x other values of x lying between x1, x2 and so on x is called interpolation. इस पर बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, न्यूटन जॉर्जरी फार्मूला। ये अब अगले टर्न बता देते हैं, अगले टर्न जल्दी शुरू कर देंगे, तुम लोग आ जाना 8:15 तक शुरू कर देंगे, ठीक है। बस मतलब अगले वीक तक इसे हर हालत में ख़त्म कराना है।